नमस्कार दर्शक मित्रों तो अतिथि मा फरी एक बार आपनु स्वागत छ अतिथि એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે ને વાતો કરીએ છે અંતરંગ આજે આપણી સાથે એક એવું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ કે જેને પરિચયની કોઈ જરૂર નથી આશુતોષજી અમારી સાથે છે આશુતોષજી આપka સ્વાગત છે બહુત બહુત ધન્યવાદ મે આશુતોષજી બોલા پیچھے નહીં બોલા કારણ કે રાણા يا રાણા યે એક થોડા મેરે હિસાબ સે થોડા જાનને

बनता या तो कोई माहौल से है या तो जेनेटिकल होता है मेरे हिसाब से ये कैसे हुआ क्योंकि एक अगर आपका व्यक्तित्व के बारे में देखा जाए जहां पे भी आप बोले हो मुझे एक अंदरूनी बात जाननी है क्या अपने आप से भी आप बात करते हो तो क्या ये राणा जी ने राणा राणा नहीं रीते तो क्या अपने आप ये बनाया था या पहले से ही ऐसे थे या बचपन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि नहीं अभी तो मुझे तो ऐसे ही जीना है देखिए कोई भी व्यक्तित्व जो होता है आ, बहुत सी चीज़ें आपको अनुवांशिकता में मिलती हैं फिर बहुत सी चीज़ें आपको समाज देता है फिर बहुत सी बातें आप आ, परिवार से प्राप्त करते हैं तो अगर देखा जाए तो चूंकि मेरे पिताजी जमींदार थे और जमींदारी थी हमारे पास बड़ी खेती बाड़ी थी आजादी के बाद तो फिर वो जमींदारियां समाप्त हो गई और बड़े किसान के तौर पर आप जाने डरने लगे तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो चूंकि मुझे मेरे पिता से से साहस मिला मेरी विचार मिले और मेरे परम पुज गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री जिनको हम दत्ता जी के नाम से जानते हैं या बुलाते हैं तो उनकी कृपा से मुझे जो कुछ भी आप देख रहे हैं जीवन में वह प्राप्त है तो मैं गुरुवादी व्यक्ति तो बा, मेरे निर्माण में मेरे परिवार का मेरे समाज का और मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीदेव प्रभाकर जी शास्त्री की ही कृपा का आपने है गुरु जी।, गुरु जी की बात बताई ना तो मेरे हिसाब से गुरु जी के बारे में बहुत सारी आप बातें करते भी है बहुत लोगों को पता भी है लेकिन मुझे वो एक किस्सा सुनाना है आपसे सुनना भी है कि दद्दा जी से जब आप पहली बार मिलने गए थे आपके जीजा जी के साथ जी तो उस वक्त मेरे हिसाब से कुछ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में जाना है देखिए क्या है कि मैं बचपन से हमारे यहाँ पे एक बड़ी स्वतंत्रता हमको दी जाती थी कि हम बच्चों को प्रश्न पूछने की आज़ादी थी हमारे माता पिता ने वो एक अच्छा परिवेश हमें दिया कि बच्चों से ये कहा गया कि अगर मन में कोई प्रश्न आता है तो उसे निश्चित रूप से उस प्रश्न को पूछना चाहिए और लेकिन प्रश्न पूछने के पहले दो बार विचार करना चाहिए कि ये प्रश्न तुम सचमुच में जिज्ञासा के तहत पूछ रहे हो या ये प्रश्न सिर्फ तुम अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पूछ रहे हो तो प्रश्न पूछने की उन आदतों के कारण और प्रश्न अच्छे सार्थक प्रश्न तभी आपके चित्त में उत्पन्न होते हैं जब उसके पीछे आपका पठन पाठन अध्ययन चिंतन मनन होता है तो ये प्रक्रिया चूंकि हम लोगों को बचपन से ही पढ़ने लिखने की बहुत हमारे यहाँ पे परिवार में स्वतंत्रता थी और प्रेरित किया जाता था कि हमें हर किस्म का साहित्य पढ़ना चाहिए और उस साहित्य के ऊपर हमारे यहाँ परिवार में हर पंद्रह दिन में माता पिता के साथ भाइयों बहनों के साथ जिसने जो किताबें पढ़ी हैं उनके ऊपर एक गोलमेज सम्मेलन होता था डिस्कशन होता था और उस डिस्कशन में हम लोग अपनी अपनी बातें उन किताबों के बारे में जो भी घर में किताबें आई हैं सबको पढ़नी पड़ती थी अगर हमारी उम्र छोटी और हमारे बड़े भाई अगर वो अपने मिजाज की किताब लेके आए हैं तो ये उनका दायित्व था कि वो किताब जो अपने मिजाज की लेके आए हैं वो उनसे छोटे तमाम भाई बहनों को जिनको ये समझ में नहीं आती है उसको पढ़कर कर वो सुनाए और हम जो अपने मिजाज की किताबें लेके आए हैं ये हमारा दायित्व होता था कि यदि वो हमारे हमसे बड़े वालों के इंटरेस्ट की नहीं है तो हम उसको किस इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाते हैं तो ये एक प्रक्रिया के तहत हमारे अंदर विचारशीलता या ये कहें कि प्रश्न करने की और तो हुआ था क्या जब आप पहली पहले तो जब हम गए वहाँ पे तो ऐसे प्रश्नों की हमारी स्थितियाँ थी और हमारा ये मानना था कि कुछ सिद्ध प्रश्न होते थे तो वो मैं लिख के ले गया था अपने साथ और मेरा ये मानना था कि चलो अगर ये ले जा रहे हैं तो चलिए हम इनसे भी मिल लेते हैं हमारे बहनों ही साहब तो जब वहाँ गए और उन्होंने आ, मतलब जिसको ये कहा जाता है कि बिल्कुल भी किसी भी किस्म का हमारे ऊपर क्योंकि जितने आप छोटे होते हैं आपका अहंकार उतना ही बड़ा होता है और आपको कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की मान्यता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है तो छोटी उम्र थी हमारी किशोर अवस्था थी सोलह साढ़े सोलह साल की उम्र में हम वहाँ पहुंच रहे हैं महत्वाकांक्षाएं तो है, चरम पर थी हमें अपने संसार को देखने का जगत को देखने का क्योंकि आपके अंदर उन तमाम चीजों का कहीं ना कहीं जब आप अपनी क्षमता से अधिक कोई चीज अर्जित कर लेते हैं तब तब फिर वो आपके अंदर एक अहंकार के विकार की उत्पत्ति होती है जी तो वो एक भाव था, भाषा थी। तो जब उन्होंने हमारी तरफ तो आपके पता होता है कि प्रयास पूर्वक आपको नहीं देखा जा रहा लेकिन जो इग्नोर नहीं है, आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है अस्तित्व नहीं है जब ऐसी अच्छा। दृष्टि से आपका फायदा होता है सामना होता है तो कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है तो जब हमें लगा कि जब इन्हें हमारे अंदर रुचि नहीं है तो हमें तो बिल्कुल भी रुचि नहीं है तो हम अपनी एक तरफ बैठ गए लेकिन जब वो हम वहाँ से निकलने लगे, तो उन्होंने जिस नहीं करता। ओके। और फिर जब उन्होंने अब देखिए वो तो उनकी प्रक्रिया है गुरुओं के चित्त और चिंतन में आपको एक शिष्य के तौर पे कभी भी उसके ऊपर मंथन नहीं करना चाहिए तो मेरा अपना ये और यही दादाजी थे जिन्होंने आपको बताया कि आप देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने बता दिया कि आप इंडस्ट्री ज्वाइन करिए आपने पॉलिटिक्स में आना चाहते थे आपने बहुत जगह पे बता दिया फिर इंडस्ट्री में आ गए मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ इंडस्ट्री में आने के बाद दो फिल्म ऐसी हिट गई जहाँ पे नेशनल अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड मिला लेकिन बीच में एक ऐसा दौर भी आया कि जहाँ पे आशुतोष जी खुद अपने आप से भी सवाल पूछ रहे थे क्या हुआ इंडस्ट्री में ये जो बीच में एक लेकिंग का टाइम आ गया मेरी सबसे बहुत भी... बहुत कठिन होता है नहीं और सबके लिए है और वो और ये सवाल जो है मैंने उस कठिन दौर में कभी भी अपने आप से नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हो गया क्योंकि मेरा अपना ये मानना था कि जब भी मेरे गुरुदेव को फिल्म करने की इच्छा होती थी तो वो फिल्म मेरे माध्यम से कर लेते थे ओ -ओ। और जब उनको आराम करने की इच्छा होती थी तो मेरे पास किसी भी किस्म का कोई काम नहीं होता था और मैंने अपनी कभी कोई इच्छा अपने जीवन में नहीं रखी मेरा ये मानना था कि मेरी इच्छा की पूर्ति का साधन मेरे गुरु नहीं बल्कि अगर मैं उनकी इच्छा की पूर्ति का साधन हो सकता हूँ तो ये मेरे लिए सार्थक होगा कल्याणकारी Okay. तो मैंने कभी मैं इस द्वंद से गुरु का सामिप्य गुरु की समीपता आपको द्वंद द्वंद्वात्मक चित्त को भी निर्द्वंद करती है ये मान लेकिन ये मतलब इसका मतलब ये माना जाए कि ये जो बीच वाला दौर था इस दौर को बिल्कुल आपने ऐसे ही स्थित प्रज्ञ स्थिति में ही आपने निकाल दिया मैं उसी का परिणाम है कि अगर मान लीजिए इस स्थित प्रज्ञ स्थिति में अगर आप नहीं निकालते तो रामराज हमारी कलम से निकलती नहीं मौन मुस्कान की मार हमारी कलम से निकलती नहीं आशुतोष आशुतोष नीति जीवन की रीति हमारी कलम से निकलती नहीं तो एक अभिनेता जो जनरली है तो अपनी आत्मकथा लिखते हैं लेकिन वो इस किस्म के साहित्य के ऊपर हाथ नहीं लगाते हैं तो सृजनात्मक क्षमता अगर बनी रहे, okay. रहे तो मतलब कृपा ही होगी कि शायद उसी वजह से ही हुआ लेकिन लेखन की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद दर्शक मित्रों समय था विराम विरामो विराम बाद बीजा तबका नी बात हो तो ये कैसे हुआ मतलब क्या हाथ से लिखना या तो राइटिंग आपके अच्छे नहीं है मोबाइल पे लिखने का एक लाभ ये होता है कि आप किसी भी परिस्थिति में कभी भी अब कार में ट्रेवल कर रहा हूं तो मैं कार में भी लिख सकता हूँ उसके नोट्स के ऊपर मेरा बात फरी एक बार स्वागत है कार्यक्रम अतिथि थीमा आपने लेखक बनने का एक बहुत अच्छी तरह बता दिया कि किस तरह से उस पहले भी लिखते होंगे लेकिन ये टाइम मिल गया मेरा सीधा सवाल ये आपने एक इंटरव्यू में भी कहा है बहुत जगह भी बोलते हो कि आप मोबाइल में लिखते थे पूरी पुस्तक मेरे हिसाब से भी। हाँ ये जो अभी जो लिखने वाले हैं या तो जो मोबाइल को किस तरह से इस्तेमाल करना उसके बारे में बहुत सारा डिस्कस होता है तो ये ये कैसे हुआ मतलब क्या हाथ से लिखना या तो राइटिंग आपके अच्छे नहीं है राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है हैंड हाँ। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब भी कभी आप हाथ से लिखते हैं या कंप्यूटर के ऊपर लिखते हैं तो फिर आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया और एक किस्म का अनुष्ठान जैसा हो जाता है कि फिर आपको वो समय चाहिए फिर आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में दूसरे लोग भी देख रहे हैं फिर आप अपनी किसी भी किस्म की घटना प्रक्रिया के लिए पैसा वातावरण बनाते हैं मोबाइल पे लिखने का एक लाभ ये होता है कि आप किसी भी परिस्थिति में कभी भी आप कार में ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं कार में भी लिख सकता हूँ जहाज में ट्रेवल कर रहा हूँ तो मुझे कॉपी किताब निकालने की जरूरत नहीं है और फिर दूसरी दुनिया मैं क्या कर रहा हूँ वो उसको देख के मेरे ऊपर जिज्ञासा उसमें नहीं आएगी तो मेरा अपना ये मानना है कि जिस भी परिस्थिति में आप हैं उस परिस्थिति में आप क्योंकि विचार जो होता है वो कोई सुर बना के नहीं आता विचार की प्रकृति होती है कि वो कभी भी आता है आपको एक सजग रहते हुए उस विचार को पकड़ने की आदत डालनी पड़ती है तो उस कारण और मोबाइल एक ऐसा आवश्यक अंग हो गया है उन्नीस सौ चौरानवे पंचानवे से लोगों के पास जब से आया है मोबाइल कि वो आपके पास सदैव रहता है च्रू? आपकी श्वास के जैसा तो फिर उसके लिए आपको अलग से जाकर किसी भी किस्म का विधान आवश्यकता नहीं पड़ती हूं के साथ जुड़ा है, उनको एक खास सवाल पूछा जाता है नाइट लाइफ के बारे में लेकिन मुझे जो जानकारी मिली की आपकी नाइट लाइफ दोस्तों के साथ के बातें करते करते सुबह पांच बज जाते हैं जब आप मध्य प्रदेश क्योंकि लगाव तो गया नहीं है दो महीने में एक विजिट तो आपकी बनती रहती वहां पे तो ये पांच बजे तक नाइट लाइफ क्या होती है आपकी बस बातें करते हैं ये वो अलग अलग आ, की बातें या तो कुछ क्या होता है कि जो रात्रि का अंधकार होता है और उसकी जो नीरवता होती है हुँ. तो सन्नाटों में ही जीवन के बहुत सारे रहस्य होते हैं तो मेरी जो नाइट लाइफ जिसको आप कह रहे हैं मेरा अपना ये मानना है मेरा पूरा का पूरा जीवन स्वयं की खोज के लिए आधारित है हम इस संसार में स्वयं की विस्मृति को स्मृति में बदलने के लिए आते हैं तो जब भी कभी आप अपने अंतरंग मित्रों के साथ मिलते हैं तो हमारी जो चर्चाएं होती हैं, हमारे जो चिंतन या आनंद के विषय होते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जीवन से संबंधित होते हैं और इतना रस होता है उन चर्चाओं के अंदर कि अगर नहीं तो आज की तारीख में तो हम पाँच मिनट किसी के साथ नहीं बैठ पाते हैं लेकिन अगर आप पाँच पाँच बजे सुबह के बजा रहे हैं छह बजे बजा रहे हैं तो निश्चित रूप से उन चर्चाओं में कहीं ना कहीं रस हो दोस्तों के साथ बैठ के अपने रस की बात बताई तो बर्रा के बर्रा भी आपको तो जो फूड फेवरेट आइटम बताई जाती है आपकी तो उसमें भी आपको वहाँ की टिपिकल मुझे मैं खाने के मामले में ऐसा हूं कि मैं पेट भरने के लिए खाता हूं खाने के लिए मैं जीवित नहीं रहता जीवित रहने के लिए मैं खाता हूं तो मेरे लिए जो भी है मैं शाकाहारी व्यक्ति हूं और शाकाहार पे मेरा पूरा का पूरा जीवन बीतता है तो जितना आवश्यक है आपको जीवित रहने के लिए और ज्यादा हमें किसी व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती हमें एक आध दो व्यंजन अगर हो तो मैं उसको रुच के खाना पसंद करता हूँ क्योंकि ये मेरा मानना है कि कि प्रत्येक प्रत्येक भोजन आप में आने वाली चीज चाहती है कि पूरा पूरा का समय आप उसको फिल्म बाईस साल के बाद क्या 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 मतलब क्या मतलब ये स्क्रिप्ट देखी आपने दिल को छूने वाली या तो आपको सब्जेक्ट सही लगा तो लगा कि नहीं ये आशु तो उसमें ये वो जो अंदर जो पढ़ा है ना वो स्टेज वाला आर्टिस्ट शायद वहाँ इतना इस्तेमाल नहीं कर पाए वो टैलेंट को ये इंडस्ट्री में वो दिखाने के लिए या तो अंदर आत्मसंतोष या तो स्क्रिप्ट दमदार लगी देखिए क्या है मुझे मेरा चूंकि शुरुआत रामलीला से हुई है और जो मंचन में हमारे राम का मंचन आज की तारीख में अहमदाबाद में मैं कर रहा हूँ तो रावण का वो किरदार तो हमारे चित्त और चरित्र में चिंतन में वो बसा हुआ था क्योंकि इतनी अद्भुत रामलीला जो हम लोग हमारे गाडरवारा में होती थी मध्य प्रदेश में तो वो तो मुझे करना ही था और मेरे मन में इच्छा थी कि एक बार जब भी कभी उस अवस्था को प्राप्त करूंगा कि जब मैं उस चरित्र के साथ न्याय कर सकूं तब मुझे इसको मंच के ऊपर करना है और 2000 के बाद 2024 में हम वापस थिएटर में लौटे तो चूंकि हमारा प्रशिक्षण ही नाटकों से हुआ है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं पास आउट हूं तो मन में यही इच्छा थी कि जब जब हमने पुरुष नाम का एक नाटक किया हुआ था उसके बाद ये लग रहा था कि अगर दोबारा नाटक कभी करना है तो निश्चित रूप से रामायण के मंचन से कहीं ना कहीं नाटक की शुरुआत करें लेकिन ये और ये कहानी और ये जब ये लिख के आई स्क्रिप्ट हमारे राम तो ये अपने आप में अनुपम थी अनूठी थी और राम का चित्त चरित्र चिंतन ऐसा है कि उसके ऊपर तो आप हरि अनंत हरि कथा अनंदा वाली बात है तो हर समय में हर युग में हजारों लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से रामायण की इस कथा को कहीं ना कहीं मंच पर या सिनेमा के माध्यम से या किताबों के माध्यम से प्रस्तुत करने जी आपने रामायण के बारे में बताया तो एक बात मैं ये भी पूछ लेता हूं कि पच्चीस जनवरी दो हजार चौबीस को यह रिलीज हुआ हुआ, हुआ। उससे पहले जब आपका कांटेक्ट किया गया आपने कोई जवाब ही नहीं दिया था जी तो परेशान थे देखिए लग गई थी जी। और और दूसरी बात ये कि तीन दिन में स्क्रिप्ट आपने रेडी कर दी थी जी तो ये भी अचंबित होने वाली घटना है मतलब बाकी जो आपके को आर्टिस्ट है उन लोगों को भी आप अभी वो सिखाते अपना तो किरदार कर लिया वो तो हो गया तो ये ये, ये तीन दिन में स्क्रिप्ट ये मेरे हिसाब से आपकी जो बात है ना बहुत सारे लोगों को जो आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री में आने चाहते हैं उनके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंस रहेगी टिप्स देखिए क्या होता है कि जिस कार्य को आपको करना है जिसके अंदर आपकी आत्मा लगी है तो जिसके साथ आप कर रहे हैं उसको पूरा अच्छी तरीके से ठोक बजाकर देख लेना चाहिए और ठोक बजाकर देखने की यही स्थिति होती है कि अगर आप लगातार इंकार करते रहते हैं किसी चीज को और इसके बाद भी वो स्थिति वो व्यक्ति वो परिस्थिति आपके सामने यदि बनी हुई है तो निश्चित रूप से वो ये है कि वो आपको अंगीकार करना चाहती है स्वीकार करना चाहती है तो आपके ऊपर एक जो ठोस है व्यक्ति तो इस वजह से उसको इंकार करते रहे लेकिन जब ये लगा कि नहीं ये व्यक्ति निश्चित रूप से अगर मैं नहीं करूंगा तो ये नाटक ही नहीं करेंगे इस स्थिति वाले व्यक्ति हैं और ये मुझे उतना प्रेम करते हैं जितना प्रेम ये अपने आप से करते हैं तो फिर जब प्रेम का प्रतिदान जो होता है तो फिर ये निर्णय लिया गया और फिर जब निर्णय लिया गया और चूंकि वो आपकी इच्छा का काम है तो इच्छा के काम के लिए तो आप अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं और जब आप अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं तो फिर समय सीमा अपने आप में बहुत कम हो जाती है तो और, जब भी हो, और बिल्कुल जो चाहते हैं उसी तो हंड्रेड परसेंट इच्छा तो मेरा अपना ये मानना है कि जिस कार्य को करने की आपके अंदर इच्छा हो उसको करने की क्षमता पैदा कर लीजिए या जिस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता है उसके अनुकूल इच्छा अच्छा कर लीजिए तो जीवन में आपको अवसाद नहीं आएगा आनंद आएगा असो जी यहाँ रोकेंगे अगेन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक दर्शक मित्रों विराम नो समय विराम बाद अंतिम तबका निभा तो आशुतोष राणा जी साथ क्योंकि बहुत सारी जोड़ी ऐसी होती है कि जिसके बारे में लोग कसम भी खाते हैं तुम्हारे जीवन में कोई एक ऐसी बच्ची की मुझे तलाश थी जो तुम्हारी ऊर्जा को विराम बात फरी एक बार स्वागत आप कार्यक्रम थी माँ अंतिम पड़ाव में आशुतोष जी बहुत ही मतलब आपके बारे में बात करते थे जब भी आपकी बात निकलती है तो एक बात निकलती है कि आशुतोष जी जिस तरह से ख्यालात वाले व्यक्ति है ये पक्का पॉलिटिक्स में जाएंगे अच्छा 19 में भी सोचा कि नहीं आ जाएंगे आपके जो करीबी दोस्त थे वो भी

सूचना तंत्रों में उछालता है तो ये सुख का विषय लेकिन ऐसा घटित नहीं हुआ घर पे भी एक रूम का नाम आश्रम रखा है ये किस ये है मैंने नहीं रखा है मेरे बच्चों ने रखा हुआ है क्योंकि उसमें मैं लिखता पढ़ता हूँ बैठा रहता हूँ तो उस कमरे को वो लोग आश्रम के नाम से कहते हैं बुलाते हैं तो ये मेरे बच्चों ने और रेणुका जी ने रखा हुआ है अच्छा, अब रेणुका अच्छा। जी की बात निकली तो भी ये विथ योर परमिशन क्योंकि बहुत सारी जोड़ी ऐसी होती है कि जिसके बारे में लोग कसम भी खाते हैं। जी तो ये क्या हुआ था कैसे हुआ क्या हुए इस प्रपोज्ड अगर आप बताना चाहें जी निश्चित रूप से ये इसमें भी हम अपने परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी के ही आशीर्वाद को महत्व देंगे क्योंकि ये पूज्य दद्दा जी ने ही निर्णय लिया था कि भाई मुझे अपने जीवन में अपनी अर्धांग्नि के तौर पर किसके साथ विवाह करना चाहिए तो उन्होंने रेणुका जी के बारे में कहा और फिर उन्होंने ही मुझे आदेश दिया कि तुम जाओ और एक लड़के की भांति नहीं बेटा एक याचक की भांति जाओ और एक याचक की भांति उनसे प्रार्थना करो कि क्या आप हमारे साथ विवाह करेंगे मतलब आपने पहले बताया था कि ये मुझे पसंद नहीं, नहीं, नहीं। उन्होंने ही बताया था ये पसंद... जी हम अपने तमाम मित्रों को सारे मित्र हमारे जो हैं वो अपने जीवन का श्रेष्ठ मुझे देते थे तो मेरा भी दायित्व होता था कि मेरे जीवन का जो श्रेष्ठ है मैं अपने मित्रों के साथ साझा करूं तो जब भी कभी दद्दा जी मुंबई आते थे तो मैं अपने तमाम मित्रों को उनके पास बिठालता था क्योंकि मेरे जीवन का जो श्रेष्ठ था वो मेरे गुरु थे तो मैं उनके साथ साझा करता था उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान लगातार निरंतर उन्नीस में वो मिले रेणुका जी से रेणुका जी उनसे मिली और ये सिलसिला चलता रहा और 2001 में जाके पूज्य दद्दा ने हमको ये कहा कि बेटा इस मित्रता को चिर बंधुत्व में बदलना है और ये जो बच्ची है इसके पास तुम जाओ और याचक की बातें प्रार्थना करो क्योंकि बेटा जीवन में तुम्हारे जीवन में कोई एक ऐसी बच्ची की मुझे तलाश थी जो तुम्हारी ऊर्जा को कहीं ना कहीं निर्देशित कर सके और तुम्हारी जो ऊर्जा है तुम्हारे अंदर उसको संभालने का काम कर सके, तो ये दिन और ये, और ये दिन और जो बातें वो मुझे स्पेसिफिक वर्ड्स में क्योंकि ये बहुत मैंने आपको बहुत स्पेसिफिक वर्ड में बताया कि पूज्य दद्दा ने मुझसे कहा कि एक लड़के की भांति मत जाना एक याचक की भांति जाना और रेणुका से प्रार्थना करना कि क्या आप हमारे साथ विवाह करना पसंद करेंगी तो जब हमने रेणुका जी से ये बात की दद्दा के आदेश पर और रेणुका जी और हम दोनों मित्र थे और बड़े अंतरंग मित्र थे और मतलब ऐसे मित्र बहुत गुरु कृपा से ही प्राप्त होते हैं तो जब उस मित्रता के लिए मैंने उसको वैवाहिक संबंधों में बदलने की उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा कि बोले आप दद्दा जी से पूछ लीजिए यदि दद्दा आदेश करेंगे तो निश्चित रूप से हम और आप दोनों एक दूसरे के साथ विवाह कर लेंगे तो बस वही हुआ और उसी का परिणाम कि आज हमारे विवाह को तेईस वर्ष हो गए दो में हमारी शादी हुई थी और आज हम दो में देवांग के साथ अतिथि में उनके संदर्भ में बातें कर रहे हैं जी आप अहमदाबाद की जो आपकी मुलाकात है हमारे राम मतलब अलग अलग जगह शोज किए आपने ये मेरे हिसाब से आ, शो के नंबर में देखा जाए तो एक टारगेट वाले जितने टारगेट जुबली जेबल एक कली किया फिफ्टी फर्स्ट शो आपने किया अगेन कॉमन एक ऐसा मतलब जो रेगुलर घिटा पीसाई सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा लग रहा है आपको अहमदाबाद में एम्दावाद शो करके और और, में, और 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 इस शो के बारे में खास बताइए जो प्ले के बारे में बताइए जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं देखिए अहमदाबाद में शो करते हुए इसलिए आनंदित हूं कि आपकी जानकारी मैं आपको बता दूं कि छठवीं कक्षा मैंने अहमदाबाद से ही पास की है तो जी तो मैं अहमदाबाद में रहा हूँ और मेरे बड़े भाई अभी भी यहाँ पे रहते हैं पालड़ी में और वो चौहत्तर में अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे तो छठवी कक्षा मैंने यहाँ पे की है तो जहाँ पे आप पढ़े हुए हैं हैं भले ही एक साल पढ़े हुए उस शहर में जब भी कभी आप आप अपने को परफॉर्म करते हैं तो बहुत सुख मिलता है और हमारे राम एक ऐसा नाटक है कि जो आपको कहीं ना कहीं परमात्मा श्री राम के सिर्फ चरण ही नहीं उनके आचरण की तरफ भी आपको प्रेरित करेगा या देखने का आ, का उद्यम आपके अंदर पैदा करवाएगा तो आप निश्चित रूप से देखें क्योंकि ये एक ऐसी कथा है कि जो आपकी नीति नियम मर्यादा आपको एलिवेट करने का काम करती थैंक यू सो मच थैंक यू चलो बहुत अच्छी बात है अंत में अंत में क्योंकि बहुत सारी बात होगी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है जो आशुतोष जी से वो वाला फिल्मी वाला अंदाज भी कुछ सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं लेकिन बाकी फिल्म के डायलॉग तो ठीक है लेकिन वो एक डायलॉग जो बुंदेली आपके जो में है कि हम तुम्हें इतनी गोली मारेंगे कि वो आप हमारी किताब में लिखा हुआ है हाँ। और वो मेरा ये मानना है कि ये, चर्रा जो चर्रा जो ये, ये सब जो चीजें जो आ चुकी है हाँ। देवांग उन चीजों को दोबारा साझा करना जिनकी आप रील में देख सकते हैं देवांग शो में नहीं आ, किसी भी शो में, में नहीं जी। मेरा अपना ये मानना है कि जब ये तमाम चीजें हों तो मुझे लगता है कि वो बिखरी पड़ी है रीले हैं वो देख तो फिर आशुतोष जी अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने बताया कि आपकी जीवन में दद्दा जी ने जो जो आशीर्वाद दिए या तो जो जो ध्येय दिए जो लक्ष्य दिए जो कार्य दिया उन सबको आपने पूर्णतः अभी आशुतोष जी का आने वाले दिनों में क्या एक ड्रीम उनका कोई गोल क्या हिंदुस्तान के लोगों को एक लेखक के रूप में एक कुछ और नई रचना मिलेगी या तो एक आर्टिस्ट के तौर पे एक नया किरदार मिलेगा या तो कुछ और देवांग मैं बहुत ईमानदारी से अपने सूत्र बता रहा हूँ कि मैं जीवन में योजनाएं नहीं बनाता मैं जीवन के प्रत्येक पल को पूरी क्षमता के साथ जीने का प्रयास करता हूँ इस पल मेरे जीवन का सत्य ये है मेरे हाथ में सिर्फ यही पल है अब इसके बाद आने वाला पल क्या होगा इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है अगर हो जाए तो फिर हम और आप तो परम ब्रह्म परमात्मा हो जाएंगे तो जिस चीज़ के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है उस चीज़ के ऊपर हमें योजनाएं नहीं बनानी चाहिए इस समय पूरी क्षमता भर एक देवांग के साथ आशुतोष बैठे हुए हैं और अतिथि के ऊपर ये चीज़ चल रही है इसके बाद आने वाले कल में क्या होगा और पीछा कल बीता हुआ कल क्या है इसके बारे पर हमारे और आपके किसी दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से भी अगर आप कहें कि बीते हुए समय को आज उपस्थित कर दे या आने वाले समय को आज उपस्थित करते तो वह कहेगा કે ભાઈ જો આ શક્તિ કા પેમાના હે તો ફિર મુજે શક્તિશાળી મત માનીએ થેન્ક યુ સો મચ મે યોજના નહીં બનાતા થેન્ક યુ સો મચ આશુ દોષ સેમ સે વાત કરને કે લિયે દર્શક મિત્રો આતી ખાસ વાત મુલાકાત આશુ દોષ રાણાજી સાતેલી વર્તમાન માં જીવુ છું આ પલ છે એજ મારા માટે બેસ્ટ છે અને મારે બેસ્ટ કરવાનું છે આ પલ માં કરવાનું છે આવનારી પલ જે આવશે એમાં પણ હું બેસ્ટ કરીશ જીવન નો એકમાત્ર મંત્ર એજ એમને સફળતાના એક ઉચ્ચ શિખરે પહોંચાડ્યો છે ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે ત્યાં સુધી રજા આપશો નમસ્કાર